नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। आज भी रोज आके मेरे को बोलता था ऐसा करता हूँ, मैं मदद करता हूँ, ये करता हूँ, लेकिन मदद तो किसी ने, यही मदद किया सर, मेरा टपरी उठा के फेंक दिया, यही मदद हुआ है मेरे साथ। के बाद मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, कैसे चलूंगा? रेंटल हाउस में रहते, भाड़े के घर पे रहता हूँ सर। अभी ऑपरेशन हुआ है 3 महीने सर। अगर मैं कहीं भी कुछ गलत है दोस्तों, एक खबर जो सामने आई है वसई विरार से, बेहद शर्मनाक खबर है। शर्मनाक इसलिए है कि वसई विरार में एक नहीं, दो नहीं, सौ नहीं, हजार नहीं, बल्कि लाखों की तादाद में अवैध निर्माण, अवैध बांधकाम धड़ल्ले से खड़े हैं, दिन प्रतिदिन होते जा रहे हैं। उन पर वसई विरार महानगर पालिका का हथौड़ा नहीं चलता है। लेकिन वसई विरार महानगर पालिका का हथौड़ा चलता है तो एक विकलांग के स्टॉल पर, एक विकलांग व्यक्ति की आजीविका का जो साधन है उसके ऊपर वसई विरार महानगर पालिका का हथौड़ा चलता है और उसको तबाह कर दिया जाता है, और वो भी आजकल बनाया हुआ नहीं, 2016 से, यानी कि 6 साल पुराना। 6 साल से एक जगह पर जो विकलांग अपनी आजीविका कमा रहा है, अपना छोटा मोटा व्यापार कर रहा है, जो भी बिजनेस कर रहा है, उसको महानगर पालिका ने एक झटके में उजाड़ दिया। अब किसी ने उसकी सिफारिश दी है कि क्या दिए, ये तो महानगर पालिका ही बेहतरी से बता सकती है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसी क्या नौबत आई, क्यों बड़े बड़े कॉन्क्रीट के महल महानगर पालिका को नजर नहीं आते हैं, क्यों बोगस सीसी के आधार पर बने हुए बिल्डिंगें महानगर पालिका को दिखाई नहीं देती है। दिखाई देता है तो सिर्फ विकलांग का स्टॉल ही क्यों? यह मामला है वसई विरार महानगर पालिका अंतर्गत प्रभाग समिति ई नालासोपारा का, जहां के नालासोपारा के प्रभाग समिति ई के सहायक आयुक्त मनोज वनमाली के आदेश पर इस विकलांग के टपरी को तोड़ा गया। आप वीडियो में देख सकते हो विकलांग की टपरी तोड़ी जा रही है। विकलांग काफी मान मनोहर कर रहे हैं कि प्लीज छोड़ दो, मुझे रहने दो मुझे, लेकिन महानगर पालिका अधिकारी कर्मचारी इनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है या सुनने को तैयार नहीं है। यह मामला जब मनसे के पास पहुंचा तो मनसे ने भी इसमें दखल दी, और मनसे के संजय मेहरा ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए वसई विरार महानगर पालिका प्रशासन को घेरा। आगे वीडियो में देखिए इस मामले से प्रभावित उस विकलांग का क्या कुछ कहना है, उनकी प्रतिक्रिया, और साथ ही साथ मनसे के नेता संजय बेहरा की प्रतिक्रिया। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। सर, मेरा नाम हरि सुब्रमण्यम अय्यर है। क्या कहना चाहते हैं, क्या मामला है? सर, 2016 से मुझे स्पेशल भाव परवाना मिला था हैंडीकैप पे बोल के 84%। हाँ। यहाँ मेरी रोजी रोटी चलती थी 2016 से, यानी कि 6 साल हो गए लगभग। 6 साल पूरा हो गया सर। तब तक किसी को कोई प्रॉब्लम थी? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं था सर। मनपा से पूरा सहयोग आपको मिलता था? पूरा सहयोग मिलता था। फिर अभी अचानक क्या हो गया? अचानक अभी वो दिन मेरे को 2 नवम्बर को नोटिस आया कि आपको ताबड़तोब दुकान, मतलब टपरी हटाना पड़ेगा ऐसा, तो मैंने उसका जवाब लिखित दिया कि सर क्या प्रॉब्लम है, मेरे पास तो स्पेशल परवाना है, ऐसा क्यों? तो बाद में बोले तुम्हारे नाम पे कंप्लेंट है। तो मैंने फिर RTI भी फाइल किया 6 नवंबर को कि किसका कंप्लेंट है, क्या कंप्लेंट है, आज तक तो कोई कंप्लेंट नहीं था, और ऐसा कोई काम तो मैं करता नहीं हूँ सर। मैं और मेरी वाइफ भी दुकान में बैठते, वो पूजा सामग्री और कोल्ड ड्रिंक वगैरह, ठंडा पानी वगैरह फ्रिज में रख के बेचते थे। उसके बाद ये लोग आए 14 तारीख को, आगे का सब तोड़ वोड़ के गए, बुलडोजर सब लेके आए थे। तो मैं और मिसेज दोनों अंदर थे, इसके लिए वो दिन कुछ हुआ नहीं, और मेरे से जबरदस्ती लिखा के लिए कि 2 दिन में मैं दुकान हटा दूंगा करके, तुम लिख के दो करके। कौन आया था? एक चिन्मय साहब थे, सूर्यपंत पाटिल साहब थे, और अपने नालासोपारा पुलिस स्टेशन के 7-8 पुलिस थे सर, और इनके साथ जो होमगार्ड आते वो तो अलग ही। उसके बाद फिर गुरुवार को इधर मार्केट वार्केट लगे, उसके बाद सीधा शुक्रवार को आए और पूरा बुलडोजर लगे मेरे टपरी तोड़ के, सब तोड़ के यहाँ से खींच के लेके वो
वो रोड पे डाल दिया, जो वो रोड में भी कंस्ट्रक्शन चालू है सर, रोड के बीच में डाल दिया जहाँ कुछ धंधा नहीं हो सकता है। और इसी से मेरी रोजी रोटी चलती थी, मेरी बीवी है, मैं हूँ। 2 नवंबर से मैं एक पैसा कमाया नहीं हूँ। अभी आज का राशन है, कल का राशन है, 10 दिन के बाद क्या करेगा ये मुझे मालूम नहीं। परवाना दिया स्पेशल परवाना, फिर उसके बाद ये तोड़ने का क्या मतलब है? और मैं हैंडीकैप आदमी हूँ, मैं कुछ गलत काम कर सकता हूँ? ऐसा मेरे साथ हुआ है, मेरे रोजी रोटी का सवाल है सर। यहाँ पे और भी ठेले लगे हुए हैं जो अवैध सर, वो तो तमाम कम से कम 100-150 धंधे लगे हैं। गुरुवार को तो इधर चलने को नहीं होता, हैंडीकैप आदमी चल नहीं सकता है, इतना गर्दी होता है। उन पे नगर पालिका का नजर नहीं गया, सिर्फ मेरी दुकान पे ही नजर गया। देखिए सारे वाकये के पीछे किसका हाथ है संभावित सर? मेरे को तो लगता है जैसे जैसे बात हुआ वैसे लगता है मुझे शुभांगी गायकवाड़ जी है, गणेश पाटिल भी है, क्योंकि इन्होंने मुझे बुला के बोला था तू काई के लिए उधर मरता है, तुझे आज स्टेशन पे बहुत कमाएगा, धोनी बार बार के नोट लेके जाएगा, तेरा बहुत दिमाग है। और सुभाष भी रोज आके मेरे को बोलता था ऐसा करता हूँ ऐसा करता हूँ, मैं मदद करता हूँ ये करता हूँ, लेकिन मदद तो किसी ने यही मदद किया सर, मेरा टपरी उठा के फेंक दिया, यही मदद हुआ है मेरे साथ। उसके बाद मैं क्या खाऊंगा क्या पीऊंगा कैसे चलूंगा? रेंटल हाउस में रहते, भाड़े के घर पे रहता हूँ सर। अभी ऑपरेशन हुआ है 3 महीने से। अगर मैं कहीं भी कुछ गलत है, संजय जी क्या कहना चाहोगे? जिस तरह से नगर पालिका ने एक अपंग व्यक्ति के साथ जो भेदभाव और पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया है, उनके जो गाड़ी को तोड़ दिया है, क्या कहना चाहोगे? मैं किसी काम से बाहर दुबई में था, तो वहाँ पे मेरे को इनका फ़ोन आया था, तो मैंने बोला था कि मेरे को आ जाने दीजिए फिर देखते क्या है। और मैंने इनको बोला था कि मैं आऊँगा जब तक आप जितने भी कानून जो भी कार्रवाई है वो करिए, यहाँ के नगर सेविका विधायक जो भी है जिनके पास से ये काम हो सकता है उन लोगों से जाके आप मिलिए, क्योंकि सत्ता उनके पास है, तो उसका उपयोग कैसा होता है तो आपको पता है यहाँ पर। फिर जब मैं आया और यहाँ पर परिस्थिति देखी कि इस तरह से कार्रवाई, आज ऐसे कितने मामले हैं आपको पता है जिसको दो दो तीन तीन साल से हम लोग जो बोल रहे हैं कि ये अनलीगल है उस पर कार्रवाई करो, तो आज तक इनकी ताकत नहीं हो पाई। और ऐसे व्यक्ति पर तुम कार्रवाई कर रहे हैं और जिसको तुमने परवाना दिया हुआ है, 6 साल से ये बंदा यहाँ पर अपनी रोजी रोटी चला रहा है, और इन्होंने सब चीज़ें तुमसे मांग तो ली थी कि क्या कंप्लेंट है मेरे को बताओ, वहाँ पे निर्णय आपको लेना है। वो निर्णय लेते हुए आप लोगों ने ये कार्रवाई की, तो किसी ना किसी का जरूर प्रेशर रहा होगा, क्योंकि आपको पता है महानगर पालिका बिना प्रेशर के काम करती नहीं है, तो प्रेशर कौन दे सकता है ये आपको भी अच्छी तरह से पता है। और यहाँ की परिस्थिति कुछ अलग है, आज गुरुवार बाजार लगता है यहाँ पर, जिसके बारे में बहुत सालों से हम बात कर रहे हैं, तो आज उस पर क्या कार्रवाई होती है वो देखना है। और इस व्यक्ति को यहाँ पर टपरी, फिर से इसका धंधा यहाँ पर लगेगा, इसकी जवाबदारी मैं लेता हूँ। इनके साथ में अगर आज 3 बजे आयुक्त के साथ मेरी मीटिंग है, अगर 4 बजे इसकी टपरी नहीं लगती है, तो कल से इनके साथ में उपोषण पे मैं यहाँ पर खुद बैठूंगा, क्योंकि इस व्यक्ति को जीने का सहारा वही था, उसी से कमा के जीता था। आज अगर इसके पास वो जरिया नहीं रहा है तो ये कैसे जिएगा? तो इसे मर जाना ठीक है, तो उपोषण करो, खुद की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। इनको मैंने बोला हम आपके साथ में ज़रूर है, और जहाँ तक भी प्रशासन तो निकम्मी है ही यहाँ की, और जहाँ पे किसी बिल्डर या किसी से कुछ लेना होता है ना तो हम है बोलते हैं, और गरीब की मदद करने की होती है तो बोलते हैं हम नहीं है प्रशासन में। तो इस तरह की तो चीज़ें चल रही है यहाँ पर, और ज़्यादा आपको पता है, आप तो रोज़ ही ये सारी चीज़ें देखते हैं। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।